फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूँ सिद्धि और आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ ड्राई गार्लिक चटनी वड़ा पाव के लिए। वैसे तो गार्लिक चटनी ज्यादातर वड़ा पाव में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आप इसे समोसा, कचौड़ी वगैरह इंडियन स्नैक्स के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की मेरी गार्लिक चटनी की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, और आप जब मेरी वीडियोस देखते हैं या तो मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो आपके फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज की ड्राई गार्लिक चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। ड्राई गार्लिक चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 12 से 14 बड़ी साइज की लहसुन की कली, 5 से 6 सूखी लाल मिर्च, 3 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल, 3 टेबलस्पून भुने हुए मूंगफली के दाने। आपके पास अगर भुने हुए मूंगफली के दाने नहीं है तो आप पहले भून ले और उसका छिलका निकाल ले, 1/2 टेबलस्पून तेल, 1/2 टेबलस्पून तिल, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा और आखिर में हमें चाहिए स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए हम ड्राई गार्लिक चटनी बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए एक पैन को गर्म करने के लिए रख देंगे। पैन हल्की गर्म होते ही हम उसमें तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है तो अब हम उसमें लहसुन की कलियां डाल देंगे और हम इसे हिलाकर तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन को हम अच्छे से हिलाते हुए लाइट गोल्डन होने तक भून लेंगे। तो ये देखिए, मैंने लहसुन को लाइट गोल्डन होने तक भून लिया है। अब हम इसमें सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। सूखी लाल मिर्च को हम लहसुन के साथ में हिलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस को हमें लो मीडियम फ्लेम पे ही रखना है ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून जाए और वो जले भी नहीं। तो सूखी लाल मिर्च को 1 मिनट के लिए भुनने के बाद हम इसमें साबुत धनिया, जीरा, तिल, भुने हुए मूंगफली के दाने, ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल डाल देंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए लगातार चलाते रहेंगे और अच्छे से भून लेंगे। गैस को हम लो फ्लेम पे रख के इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। तो हम गैस बंद कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे हिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो मसाले ठंडे होने के बाद इसे ग्राइंड करने के लिए एक मिक्सिंग जार ले लेंगे। अब हम इन मसालों को मिक्सिंग जार में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मसाले अच्छे से भुने हुए हैं। तो इस तरह से मसालों को अच्छे से भून ले जब तक कि उसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे और वो हल्के से करारे ना हो जाए। तो अब हम इसे ढक्कन लगाकर बंद कर लेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब इसे हम ढक्कन लगाकर बंद कर लेंगे और इसे हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसे हमें एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं ग्राइंड करना है, इस तरह से बस हल्का सा दरदरा ही ग्राइंड करना है। तो हमारी ड्राई गार्लिक चटनी तैयार है। इसे निकालने के लिए एक बाउल ले लेते हैं। तो इसे मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। अभी के लिए मैं आपको दिखाने के लिए इसे एक बाउल में निकाल रही हूँ, लेकिन आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के आराम से 3 से 4 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी ड्राई गार्लिक चटनी एकदम तैयार है। आप इसे वड़ा पाव में लगाकर खाइए, वड़ा पाव बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इस ड्राई गार्लिक चटनी को अगर आप वड़ा पाव बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वड़ा पाव तो टेस्टी बनेंगे ही, लेकिन अगर आप वड़ा पाव के साथ साथ समोसा, कचौड़ी या तो स्टफ पराठा के लिए भी इस्तेमाल करेंगे तो वो और भी टेस्टी बनेंगे। आज की मेरी ड्राई गार्लिक चटनी की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसे शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।